सो हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। मैं हूँ आशीष। सो गाइज, आज अपन केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है क्लास 10th का, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसका एमसीक्यूज हम लगाने वाले हैं। टोटल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगाएंगे इस चैप्टर से, जो कि पिछली बार प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और थोड़े बहुत मैंने अपने से भी ऐड किया जो मुझे लगता है इस बार आने का चांसेस हैं। क्लियर है? सो अपन वो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में हम लगाएंगे। बट उससे पहले काफ़ी बच्चे को मैंने देखा अपने कुछ वीडियोस के नीचे कमेंट करते हुए देखा कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दीजिए एसिड बेस एंड सॉल्ट का। तो यार गाइस, ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। आप लोग काफ़ी सारे बोलते हो सर ये वीडियो नहीं मिल रहा है, तो इतना क्या, मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूँ और मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको हमारी प्लेलिस्ट चेक करनी है ना। आपको हमारे प्लेलिस्ट में हर चैप्टर का हमने कंप्लीट करा दिया, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। हमारी थर्ड सीरीज चालू चल रही है। फर्स्ट सीरीज थी रिविजन वाला, वो खत्म हो चुका है मैथ्स का, साइंस का। सेकेंड सीरीज है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर वाले, वो भी हमारे खत्म हो चुके हैं। थर्ड सीरीज चल रहा है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का, उसके बाद केस स्टडी एक और हम चलाने वाले हैं। क्लियर है? तो कैसे चेक करना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अभी मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूं, ठीक है। तो ये देखिए, हम अपना एडग्रोन, हमारा जो ऑफिशियल चैनल है, हम इस पे आ चुके हैं। यहां पे आपको प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है बच्चा लोग। प्लेलिस्ट में जाओगे तो देखो, स्टार्टिंग में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा लाइक दिस। इकोनॉमिक्स क्लास 10th का प्लेलिस्ट आपको मिल गया, या फिर यहां से अगर आप क्रिएटेड प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लें, ये आपके लिए नहीं है, हमारे लिए है, आपका तो डायरेक्ट होगा। तो ये देखो, जैसे कि मैं आपको केमिस्ट्री के बता रहा हूँ, तो केमिस्ट्री क्लास 10 वन शॉट एग्जाम 2021, वैसे मैं इसको एडिट करने वाला हूँ, केमिस्ट्री क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2021 करके करूंगा। इस पे आप क्लिक करोगे ना, तो देखो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो इस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखो ये जो कलर वाला दिख रहा है ना, ये स्टार्टिंग के ये रिवीजन वीडियोस हैं। उसके बाद देखो रिवीजन वीडियो के बाद फिर से देखो यहाँ नीचे में रिवीजन वीडियो के बाद देखो ये ग्रीन ग्रीन कलर वाले हैं, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर लॉन्ग आंसर वाले वीडियोज हैं। और नीचे में आप येलो कलर से देख रहे हो अलग थंबनेल वाला, तो ये आपके एमसीक्यूज हैं। तो एक ही प्लेलिस्ट में रिवीजन वाले वीडियोज भी आपको मिल जाएंगे, उस चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी वीडियोस मिल जाएंगे और एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। एक ही प्लेलिस्ट में मैंने इस तरीके से आपको ऐड कर दिया है। बाकी जो है मैथ्स के लिए मैंने अलग कर दिया है रिवीजन वीडियो, आप जैसे देख सकते हो मैथ्स क्लास 10th वन शॉट एग्जाम मैथ्स के लिए वन शॉट का वीडियो अलग है, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन का वीडियो अलग है। तो आप एक बार मुझे बता देना, अगर आप अलग अलग चाहते हो तो अलग अलग भी हम आपके लिए प्लेलिस्ट रेडी कर देंगे। बट यार हमने कोशिश किया है मैथ्स, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हैं इसलिए हमने अलग अलग प्लेलिस्ट किया है। बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स में तो पांच पांच चैप्टर तो हैं, तो एक ही प्लेलिस्ट में हमने क्या किया है, रिविजन वाला भी करा दिया है, डाल दिया है, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और एमसीक्यूज भी हम एक ही प्लेलिस्ट में अपलोड कर देंगे। तो कुछ नहीं, आपको सिंपली प्लेलिस्ट में जाना है और आपके सारा काम का चीज वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 10th एमसीक्यूज। अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग हम ये वीडियो बना रहे हैं। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं अगले महीने जो इसका एग्जाम है उनके लिए बेस्ट वीडियो रहने वाला है। रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और आपके सामने है पहला क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। मैं क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ, आपका आंसर हमारे कमेंट में मिल जाना चाहिए। हर बच्चे का आंसर कमेंट में मिलेगा। यार देखो यार, आलस कम किया करो, चलो बुरा लगेगा बट दिस इज रियल फैक्ट, आलस थोड़ा सा कम करो। या तो पेन पेपर ले लो, क्वेश्चन को नोट करो, और साथ में जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ चाहो तो हिंदी या इंग्लिश या मैसेज लैंग्वेज थोड़ा सा लिख लो और ऑप्शन टिक कर लो, है ना, या फिर कमेंट करके बताओ। तो एक्टिव रहो, एक्टिव रहो, सिर्फ वीडियो पिक्चर नहीं चल रहा है ना, मैं यहाँ एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक्टिव रहो, कमेंट करके बताओ। जो भी क्वेश्चन आता है पढ़ो, बन रहा है तो पेपर में सॉल्व करो, कमेंट करके बताओ। एक्टिवनेस दिखाओगे तभी यहाँ घुसेगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन, रॉ ग्रेप्स, ऑरेंज एटसेट्रा हैव सोर टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैटिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, बताओ क्या आंसर हो जाएगा इसका। कुछ बच्चे ने तो सही सही आंसर सोच ही लिए होंगे आप लोग। चलिए सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा। क्यों भाई, सिट्रिक एसिड सोर टेस्ट यानी एसिड आ गया, है ना, सिट्रिक एसिड होगा। मैंगो, लेमन, ग्रेप्स, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है भैया, याद रखना। लैटिक एसिड किसमें होता है, मिल्क। ऑक्सैलिक एसिड किसमें होता है, टमाटर, ध्यान रखना ये सब चीजों का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखो जिंक, अगला क्वेश्चन है जिंक ग्रेनुअल्स। चलो पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन, आप जब तक क्वेश्चन पढ़ो तब तक मैं आंसर बताता हूँ आपको,
पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो भैया, क्वेश्चन पे ध्यान दो। जिंक ग्रेनुअल ऑन ट्रीटिंग विथ एन एसिड एक्स, एसिड का नाम नहीं बताया है, फॉर्म द जिंक सल्फेट ZnSO4 बना है सॉल्ट, अलोंग विथ द इवोल्यूशन ऑफ गैस वाई विच बर्न विथ अ पॉपअप साउंड व्हेन ब्राउट नियर द बर्निंग कैंडल, आइडेंटिफाई द एसिड एक्स एंड द गैस इवॉल्व। तो देखो यार, जिंक को एक एसिड से रिएक्ट करा गया। ये देखो, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें जिंक डाल दिया गया है, जिंक ग्रेनुअल, और इसमें एक एसिड डाल दिया गया है। तो वो तो आपको देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दिख ही गया आपको, है ना। तो एसिड डाल दिया गया है और जब उससे गैस निकल रहा है, उस गैस को जब हम सूप सॉल्यूशन में जा रहे हैं तो बबल्स निकल रहा है, कैंडल ले जा रहा है तो वो बबल्स बर्न कर रहा है, हाइड्रोजन ही ऐसा करता है, ठीक है। सो ये एक्स एसिड कौन सा है और वाई गैस जो निकल रहा है वो कौन सा है, आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन में बताना है। तो यस, इट्स अ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाई इज द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आप कीजिए इसका आंसर। क्या है क्वेश्चन का आंसर, देखिए ध्यान से। द फिगर गिवेन बिलो रिप्रेजेंट द एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट बिटवीन कॉन्सेंट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड विच रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म HCl गैस। नाउ ब्लू लिटमस पेपर इज ब्राउट नियर द माउथ ऑफ डिलीवरी ट्यूब टू चेक द प्रेजेंस ऑफ HCl एसिड, बट नो चेंज इन ऑब्जर्व इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर, बिकॉज, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या, एक टेस्ट ट्यूब लिया गया, इस टेस्ट ट्यूब में एक NaCl सॉल्ट NaCl डाला गया और एक सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया। तो जब जाहिर सी बात है, ये NaCl और इनका रिएक्शन होगा तो क्या होगा, NaCl रिएक्ट विद H2SO4, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, बन जाएगा क्या सोडियम सल्फेट और साथ में HCl बन जाएगा लाइक दिस। तो ये HCl गैस जो बाहर निकल रहा है, HCl तो एसिड है, ये तो एसिड है, तो जब हम ब्लू लिटमस ला रहे हैं तो ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज होना चाहिए, क्योंकि एसिड में क्या होता है बच्चा लोग, एसिड में ब्लू लिटमस जो है वो रेड में चेंज हो जाता है। तो जब ये एसिड गैस बाहर निकल रहा है, क्योंकि सूखा है, ड्राई ड्राई जो एसिड HCl है ये ड्राई, इसमें एक भी पानी नहीं, प्योर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HCl बाहर निकल रहा है, तो ये फिर एसिड को पकड़ क्यों नहीं पा रहा, ये लिटमस पेपर रेड क्यों नहीं हो रहा है। इसका आंसर मैंने रिविजन वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताया था। कोई भी हमारा जो इंडिकेटर्स होता है वो एसिड और बेस को कैसे पकड़ता है, एसिड को पकड़ने के लिए, या फिर उस एसिड एसिड को पकड़ना है तो जिस भी पानी या जिस भी सॉल्यूशन में हम लिटमस पेपर या कोई भी इंडिकेटर डालते हैं तो वो इंडिकेटर क्या करता है, उस सॉल्यूशन में H+ या H3O+ हाइड्रोनियम आयन ढूंढता है, या OH निगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन ढूंढता है। अगर उसको हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाता है तो बता देता है कि वो सॉल्यूशन बेसिक है, H+ या हाइड्रोनियम आयन मिलता है तो वो बता देता है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। तो यहाँ पे ड्राई HCl जब निकल रहा है तो ये लिटमस पेपर क्यों नहीं बदल रहा है, द लिटमस पेपर यूज्ड इज ड्राई, द लिटमस पेपर यूज्ड इज मॉइस्ट, ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट चेंज इट्स कलर विथ एन एसिड, क्या गलत है यार। द लिटमस पेपर इज केप्ट वेरी क्लोज टू द माउथ ऑफ डिलीवरी ट्यूब, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ब्लू लिटमस पेपर इज ब्राउट नियर द माउथ ऑफ डिलीवरी ट्यूब टू चेक द प्रेजेंस ऑफ HCl एसिड, बट नो चेंज इन ऑब्जर्व इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर, बिकॉज बिकॉज व्हाट, लिटमस पेपर इज यूज इज ड्राई, लिटमस पेपर आपका ड्राई है, ठीक है, ड्राई है, सूखा HCl भी एकदम प्योर HCl निकल रहा है, तो HCl को तोड़ना कैसे पकड़ेगा, लिटमस पेपर ड्राई, लिटमस पेपर भी सूखा है, HCl गैस जो निकल रहा है वो भी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, एक्वस सोल्यूशन है ही नहीं, तो कैसे इसको कैसे इसमें से H+ आयन ढूंढेगा। तो इसके लिए अगर हम लिटमस पेपर को ड्राई कर वेट कर दें, पानी से गीला कर दें, तो ये पानी HCl जब इसमें टच करेगा तो क्या होगा, टूट जाएगा H+ और Cl आयन में, है ना। तो अब ये जो लिटमस पेपर इस H+ को पकड़ेगा और बताएगा ये एसिड है। तो यहाँ पे क्यों कलर नहीं बता पा रहा है, क्योंकि लिटमस पेपर हमारा ड्राई है, लिटमस पेपर यूज्ड इज ड्राई, ड्राई है इसीलिए नहीं बता पा रहा है, ठीक है, ये इसका असली रीजन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन कीजिए, करिए करिए आप, कंटिन्यू रखिए। क्या है भाई क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन अकर्स व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड इन वाटर, वाटर में एसिड डाल रहे हैं, हाँ तब ठीक कर रहे हैं, ऐसे ही किया जाता है, एसिड में वाटर डालेंगे तो स्प्लैश हो जाएगा। यस, इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, डाइल्यूटेशन कहते हैं, या सॉल्ट फॉर्मेशन कहते हैं, जल्दी बताओ भैया क्या आंसर हो जाएगा। दो चीज हो रहा है यहाँ पे, आप वाटर लिए, वाटर में जब आप एसिड को डालोगे, लाइक HCl एसिड को डालोगे,
है ना। मान लीजिए 100% HCl को अगर आप डाल रहे हो वाटर में, तो मिक्स होकर क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। अब एसिड की पावर, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, है ना, स्ट्रेंथ जो है एसिड की कम हो जाएगी पानी से मिलने के बाद। और एक तो डाइल्यूटेशन हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, HCl को जब आप पानी से मिलाओगे तो HCl क्या होगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, H प्लस और Cl में अलग अलग टूट जाएगा इस तरीके से, ऑफ कोर्स तो आयोनाइजेशन हो रहा है। तो 1 और 3 ऑप्शन कहीं है, 1, 3 यस, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यार अगला जो 5th क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, इसका आंसर देने की कोशिश करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। वाह क्या क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ही क्वेश्चन तो मजा आता है, ऐसे ही इंडिकेटर्स वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत फंसाते हैं। तो मैंने रिवीजन वीडियो में ना कुछ इंडिकेटर्स बताए थे, लिटमस पेपर का बताया था, फिनोफ्थलिन का, टर्मरिक का, मिथाइल ऑरेंज का, कि क्या एसिड में क्या होता है, बेस में क्या होता है, अच्छे से भैया देख लेना वो वीडियो, ठीक है। चलिए तो इसमें से कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो टर्न रेड कलर के हो जाते हैं जब एसिड सॉल्यूशन में हम उसको डालते हैं। फिनोफ्थलिन, लिटमस, टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज, चूज द करेक्ट ऑप्शन, 1 और 2 इसमें से बताइए कौन कौन सा। तो यार अगर देखा जाए तो रेड कलर का हो जाता है ना, तो लिटमस पेपर तो नहीं होता, फिनोप्थलिन जो होता है और मिथाइल ऑरेंज, 1 और 4 ऑप्शन है कहीं, 1 और 4 तो ऑप्शन ही नहीं है, एक मिनट। मिथाइल ऑरेंज तो देखो होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो रेड कलर हो जाता है। अच्छा, फिनोप्थलिन तो पिंक कलर में हो जाएगा ना, लिटमस पेपर ब्लू लिटमस रेड एसिड में ही होता है ना, ब्लू लिटमस पेपर चेंज इनटू रेड एसिड में, तो ये भी तो है भाई, लिटमस पेपर भी तो एसिड में डालने से रेड हो जाता है। तो यस, लिटमस और मिथाइल ऑरेंज है, ये भी नहीं है क्या, 2 और 4 है, ये है डी ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ो कमेंट करो देन मेरा जो बकवास है वो सुनो, ठीक है। The sample of soil from a particular place was tested for its pH value. It came out to be 5. Which one of the following should be added to soil to make it suitable for the plant growth? यार ये डेली लाइफ में जो हम एसिड एंड बेस का लास्ट टॉपिक पढ़े थे कि सॉइल ज़्यादा एसिडिक या हो गया तो फिर क्या प्लांट वगैरह पीले पड़ने लगते हैं और फिर मुरझा जाते हैं, लाइक डेट। तो पीएच मेंटेन होने के लिए मैंने टेस्टिंग करने के लिए भी आपको बताया किस तरीके से हम सॉइल का पीएच टेस्ट करते हैं, पानी में घोलते हैं उस मिट्टी को, फिर हम पीएच पेपर डाल के टेस्ट करते हैं, है ना। तो मान लीजिए उस सॉइल का पीएच 5 है, तो 5 इज़ द एसिडिक, है ना, तो उसको थोड़ा सा बेसिक करना है, प्लांट उसमें ग्रो तो नॉर्मल न्यूट्रल होना चाहिए, उसके लिए हम क्या ऐड करें मिट्टी में, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या कुछ कॉम्बिनेशन, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों को ऐड करोगे मिट्टी में, दोनों में से किसी कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड कर दो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दो, ठीक है। क्लोराइड नमक हो जाएगा, नमक को ऐड कर दोगे तो दिक्कत नहीं आ जाएगा, पेड़ पौधे में अगर नमक ऐड कर दोगे तो नीचे से सड़ने नहीं लगेंगे, नमक का काम वही है ना, क्योंकि पानी में, अब बोलोगे सर पानी में भी तो नमक रहता है, फिर पानी में जल पैदा होने वाले प्लांट्स क्यों नहीं मुरझाते, तो यार पानी में जो पैदा होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर एक बायो पढ़ रहे हो ना, बायो में हट तेरी बायो में आप पढ़े हो ना, उसको उनके ऊपर एक अजीब सा एक अलग सा लेयर होता है, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनके ऊपर एक अलग सा लेयर होता है ना, तो इसलिए वो नमक को झेल लेता है, बाकी जो नॉर्मल है आप नमक किसी प्लांट के जड़ में नमक डालो, देखो कुछ दिन में क्या होता है, सड़ जाएगा पूरा प्लांट, है ना। सो नहीं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड आप यूज़ कर सकते हो पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए भाई, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ HCl टू फॉर्म वाट एंड वाट, बताइए भाई, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट और क्लोरीन गैस, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, फिर आ जाएगा H2O और फिर आ जाएगा CO2। तो यार ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, यस। तो CaCO3 रिएक्ट विथ 2Cl, ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, CO2 और साथ में वाटर, ये तीन चीज निकलेगा, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द सॉल्ट फॉर्म,
ये देखो यहाँ पे कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा आपको बताना है। तो NH4OH रिएक्ट विथ H2SO4 एसिड टू फॉर्म सम सॉल्ट, क्योंकि ये दिस इज द बेसिक एंड दिस इज एसिड एंड बेस रिएक्टेड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, है ना। तो सॉल्ट एंड वाटर, तो यहाँ पे सॉल्ट कौन सा बनेगा, तो सोडियम सल्फेट बनेगा ना, यस, क्योंकि ये NH4 क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, सल्फेट के साथ ऐड हो जाएगा, तो NH4 2 SO4, ठीक है, बैलेंस करके सोडियम सल्फेट, और क्योंकि अगर सल्फेट सल्फेट दो तीन होता तो फिर दिक्कत हो जाता, सोडियम सल्फेट बनेगा और सोडियम सल्फेट वाला एक ही है तो यही ऑप्शन ही सही होगा। दो चार अगर और सल्फेट वाला हो जाता तो फिर इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ जाता, यहाँ भी हमको बैलेंस नहीं करना, एक ही सल्फेट दिख रहा है तो वही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें एसिड को बेस से मिक्स कर दो तो क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन कम होगा, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन सेम होगा, या सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो यार देखो, जब भी एसिड को बेस के साथ आप रिएक्ट करते हो तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और साथ में वाटर निकलता है, है ना। और हमें पता है एसिड किसी के साथ भी रिएक्ट कराओगे तो एसिड जब भी किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करता है तो एक्सोथर्मिक होता है, हीट निकलता है, है ना। तो अपन इसमें टिक कर सकते हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन एक तो ये होगा, दूसरा टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, तो 2 और 4 है, यस, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमें पता है काफ़ी सारे जो सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स, तभी तो आप देखो ना, वाटर को कुछ देर छोड़ दो तो वो पानी पानी टाइप का अजीब सा हो जाता है ना, क्योंकि उसके अंदर वाटर के क्रिस्टल्स होते हैं, है ना। तो इनमें से ब्लू विट्रोल, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा ऑफ जिप्सम, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसके अंदर रहते ही नहीं है, तो वॉशिंग सोडा, जिप्सम, बेकिंग सोडा या ब्लू विट्रोल, जल्दी बताओ। तो बच्चा लोग याद रखना, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा जो है वो, भाई बेकिंग सोडा को पानी में या कहीं भी डालो सोख लेता है उसको, हाइड्रेट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना बेकिंग सोडा जो होता है सॉल्ट, सॉल्ट से ही तो बनता है बेकिंग सोडा, अभी आगे डिस्कस करेंगे इसके फॉर्मूले पे, तो उसमें वाटर के क्रिस्टल्स नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, क्योंकि हीट करके बनाते हैं ना तो उड़ जाता है सब वाटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, जिंक रिएक्ट विथ सोडियम, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम अलग अलग हो जाएगा, नॉट लाइक दैट, ठीक है। मैं इसका इक्वेशन लिख के आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से क्या बोला है, जिंक को जब आप सोडियम यानी NaOH से रिएक्ट करोगे तो ये बन जाएगा आपका ZnO प्लस हाइड्रोजन गैस, ZnO2, दैट इज ये होता है आपका सोडियम जिंकेट, जिंकेट कहा जाता है, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टोमेटो इज न्यूट्रल सोर्स ऑफ विच एसिड। टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है, जल्दी बताओ, शुरू में ही बताया था यार, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू। ब्लीचिंग पाउडर हम वाटर में क्यों डालते हैं, वाटर को टेस्टियर बनाने के लिए, अच्छा भैया टेस्टी बनाने के लिए चीनी और नमक मिलाते हैं कि तुम ब्लीचिंग पाउडर मिलाओगे, है ना। रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम वाटर, मेक वाटर जर्म्स फ्री, वाटर मेक वाटर क्लियर। तो यार ऑप्शन सी, जर्म्स फ्री करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में डालते हैं, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है ना, आखिरी जो प्रोसेस होता है उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, वाइट ब्लीचिंग पाउडर, कभी कभी घर में पानी आता है तो उसमें भी सफ़ेद आ जाता है ना, तो ब्लीचिंग पाउडर जर्म्स को मारने के लिए यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बच्चा लोग, विच अमाउंट द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला है, जल्दी बताओ, कॉपर सल्फेस हाफ H2O, ये है कॉपर कैल्शियम सल्फेट, नॉट कॉपर, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, है ना। कैसे, जिप्सम, देखो जिप्सम जो होता है दैट इज कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कैल्शियम सल्फेट मल्टीप्लाई विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और इसको 373 केल्विन पे हीट करते हैं, तो ये जो जिप्सम होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में टूट जाता है, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इस तरीके से, तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो दिस ऑप्शन इज योर
फॉर्मोकेमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, ठीक है, ये कभी कभी इस टू को इधर भी लिखा जाता है, टू सी एस ओ फोर डॉट एच टू ओ, कभी कभी ऐसे भी, ये भी हमारा फॉर्मूला रहेगा, तो ये सब ध्यान में रखना आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आप बताओगे, चलो जल्दी से बताओ। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को जब हम हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो लूज देयर वाटर ऑफ, कॉपर सल्फेट सॉल्ट है तो उसके अंदर वाटर के क्रिस्टल्स होते हैं, तो जब हीट करते हैं तो वाटर के क्रिस्टल उड़ जाते हैं, तो फिर वो कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? फिगर देख के ही बता दिए होगे यार ये। जनरली कॉपर सल्फेट में जब वाटर के क्रिस्टल्स रहते हैं तो वो कुछ ब्लू कलर का दिखता है, फिर जब आप एक्सोथर्मिक करोगे, हीट करोगे, तो सारा वाटर बाहर निकल जाएगा तो बन जाएगा वाइट पाउडर। तो ब्लू टू वाइट, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, Na2CO3.10H2O इज क्या है भाई? ये किसका फॉर्मूला है? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या टर्टरिक एसिड? तो किसका है भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ किसका फॉर्मूला है? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या टर्टरिक एसिड? यस बच्चा लोग, ब्लीचिंग नॉट, इट्स अ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, कैसे बनता है ये वॉशिंग सोडा का ये फॉर्मूला कैसे बनता है? देखो हम क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा डेट इज सोडियम से ही रहता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, अमोनिया से रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है सोडियम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, इस तरीके से, ओके। अब ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करते हैं तो बन जाता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इस सोडियम कार्बोनेट में अगर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हम ऐड कर देते हैं इसमें, तो बन जाता है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसे ही हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। याद रखना केमिकल नेम, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला इज Na2CO3 एंड द रिएक्शन सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो Na2 सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 बनता है। फिर सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड कर देते हैं तो बन जाता है दिस इज नोन एज वॉशिंग सोडा, ठीक है। चलिए अगला है 17, बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा ये कुछ सॉल्ट्स का फॉर्मूला है भैया, याद कर लेना, और वो कैसे बना है मैं रिवीजन में बताया है, उसको याद कर लेना, बहुत एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से आ गया कि एट व्हाट टेम्परेचर इस जिप्सम को हीट करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बन, जैसे ही हमने पढ़ा जिप्सम को हम हीट करते हैं तब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बन जाता है, तो कितने टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं? तो जिप्सम देखो कॉपर सल्फेट और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को जब हीट करते हैं तो बन जाता है, बार बार कॉपर क्यों बोल रहा हूँ, कैल्शियम सल्फेट और 1/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये इस तरीके से होता है, एंड दिस कैल्शियम सल्फेट विथ 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को कितने टाइम 373 कैल्विन पे हीट करते हैं तो आता है, तो यहाँ तो ऑप्शन तो सेल्सियस में दिया है, तो 373 कैल्विन को, 373 कैल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो कैल्विन से 273 माइनस कर देते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो 373 माइनस 273 विच इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ, सोडियम कार्बोनेट जो है वो बेसिक सॉल्ट है, ये दो टर्म इसमें ध्यान रखना, सोडियम कार्बोनेट यानी Na CO3, सोडियम कार्बोनेट और बेसिक जो है ये एक तरीके का क्या है, बेसिक सॉल्ट है, तो ये कैसे बना होगा, बेसिक सॉल्ट कैसे बना होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग वो भी हैं, स्ट्रॉन्ग दोनों एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है, तो बन जाता है, इससे हमारा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है ना। अब देखो वीक एसिड और वीक बेस, ये भी दोनों वीक है, दोनों एक दूसरे को इजिली कट कर देंगे, तो ये बन जाएगा न्यूट्रल सॉल्ट, ये भी बन जाता है। अगला है स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस, एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वीक और वीक बेस है, तो वीक बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करके थोड़ा सा, बट एसिडिक कैरेक्टर तो रह जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलकर बनेगा एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, है ना। अब देखो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर बनेगा, वीक एसिड जो है बेस को कट कर देगा बट बेस तो रहेगा ही, तो ये बन जाएगा बेसिक सॉल्ट, तो NaCO3 इज अ बेसिक सॉल्ट, देन
किससे बनेगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऑप्शन डी से बनेगा, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। चलिए अगला है, अल्कलीज आर, अल्कलीज क्या होता है, बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, लाइक देखो NaOH इज अ बेस, इसको जब हम पानी में मिला देते हैं तो अल्कली सॉल्यूशन बन जाता है। इसमें क्या होते हैं, बेसिक जो आपके बेस है वो आयंस के फॉर्म में टूट जाते हैं, तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन, तभी तो आप लिटमस पेपर डालोगे तो फिर वो पकड़ पाएगा OH को और बता पाएगा, इंडिकेट कर पाएगा कि वो एसिड की बेस है ना, लाइक दैट। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, इस चैप्टर से आखिरी क्वेश्चन है, क्या है बच्चा लोग क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ अ बेस, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, हायर द पीएच वीकर द एसिड, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, लोअर द पीएच वीकर द बेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन एंड ऑफ बेस, ओके, एसिड और बेस का दोनों का एक्वस सॉल्यूशन के बारे में पूछा है, तो क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड में हमें पता है जो पीएच स्केल होता है सेंटर पे क्या होता है, 7, इधर की तरफ एसिड इधर की तरफ बेस, है ना, देख लो इधर एसिड और इधर बेस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड यानी 7 से कम होगा, पीएच इज लोअर देन लोअर द पीएच, और बेस के लिए क्या हो जाएगा, हाई स्ट्रॉन्गर द बेस, क्योंकि बेस बढ़ेगा ना, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा बताओ, 1, 3 इसमें से लोअर द पीएच वीकर द बेस, ओके, तो देखो एसिड में वीकर द पीएच, ओके 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 ओके, हायर द पीएच, जितना ज्यादा पीएच ज्यादा हो, जितना ज्यादा, क्योंकि देखो ना यहाँ पे पीएच जितना ज्यादा होगा, इधर 7 से कम हो रहा है ना, यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, तो पीएच अगर ज्यादा है, हायर द पीएच वीकर द एसिड, ठीक है, और लोअर द पीएच, जितना कम पीएच होगा, ठीक है, उतना बेसिक वीकर होगा दिस, तो ऑप्शन 2 एंड 4, 2 एंड 4 है, 2, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा कभी होता है ना एग्जॉस्ट, जैसे मैं अभी एग्जॉस्ट हो गया हूँ, मैं आज 2-3 वीडियो रेडी कर लिया हूँ, तो मेरा दिमाग हो चुका है एग्जॉस्ट, तो क्वेश्चन समझ ही में नहीं आ रहा, तो जब एग्जॉस्ट होते हो ना, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप करके अगला प्रोसेस, कुछ अच्छा बनने वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया करो, एग्जाम में ऐसे ही करने बैठोगे तो कुछ क्वेश्चन में बन रहा होगा, आई नो आपको बन रहा होगा, एग्जाम में घबराने की वजह से आपसे नहीं हो रहा, तो डोंट वरी यार, ब्रेकर क्वेश्चन है, स्किप करो, जो बन रहा है उनको करो, और वो क्वेश्चन अगर आपसे बनेगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वापस से आओ देखो ये क्वेश्चन आराम से आपसे बन जाएगा, तो कुछ ट्रिक्स यूज किया करो बच्चा लोग, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को ब्रेकर्स क्वेश्चन कहते हैं, दिमाग एग्जॉस्ट होने के बाद बनता वो चीज नहीं बनता है, तो उसको स्किप करके ऐसे क्वेश्चन को करो जो आपसे बन रहा है, तो आपको उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, एंड देन अटेंड दिस क्वेश्चन, इजिली अटेंड कर लोगे, 100% गारंटी है मेरा, ठीक है। सो बच्चा लोग आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर के MCQ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।